तो ये शिक्षक लोग ठीक है, प्रेरणा तो देते थे, साथ साथ पिटाइयों कर देते थे, तो ये सब बहुत अच्छी बात थी। वो पिटाई आज भी याद है, और वो पिटाई के मैं रामशंकर प्रसाद, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आप लोग के समक्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर एक रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार, बोलो जिंदगी से। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये एक यादों का सिलसिला है, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ लोगों के उनके शिक्षकों से जुड़े हुए संस्मरण को। मैं रामशंकर प्रसाद, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आप लोग के समक्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर एक रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल के ज़माने में, उस समय श्री एन के सहाय जो प्रिंसिपल हेडमास्टर हुआ करते थे मिलर हाई स्कूल के, और उनसे मैं ट्यूशन लिया करता था। उस ट्यूशन के क्रम में जो अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाया करते थे, मैं जब कोई लेशन अभ्यास जो है हल्का महसूस होता था तो चैप्टर दो तीन चैप्टर एक साथ कर लिया करता था। मुझे लगता था कि मैं समझा हुआ हूँ इसलिए कर सकता हूँ, तो मैं कर लिया करता था। ये जब लगातार कुछ दिन चला तो श्री एन के साहब जी ने बोला कि देखो बेटा, ये चैप्टर तुम रोज दो तीन चैप्टर बना के लाया करते हो, सो इस तरह से करना उचित नहीं है। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया और संदर्भ के माध्यम से मुझे समझाने की कोशिश की, वो बहुत रोचक है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि क्या तुम तैरना जानते हो? मैंने कहा कि हाँ। तो कहा कि अच्छा बताओ कि रोज़ तुम कितना घंटा तैरते थे? तो हम बोला कि आधा घंटा या घंटा तैरता हूँ। तो बोले कितने दिन लगे? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि करीब डेढ़ दो महीने लगे होंगे। फिर बोले कि तुम अगर 30 दिन या 60 घंटे अगर तुम रोज़ तैरोगे तो क्या तुम तैरना सीख जाओगे? तो बात साफ थी कि नहीं, और बस इसके उलट बात ये भी आई कि मैं तैरना सीखूंगा क्या, मैं डूब जाऊंगा। तो ये एक बहुत प्रेरक और रोचक प्रसंग है। मुझे बात समझ में आ गई थी कि जीवन में क्रमबद्ध ढंग से अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको डाइजेस्ट करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक इस लेसन को जो उन्होंने मुझे दिया, मुझे आज भी याद है और मुझे प्रेरित करती है कि आप क्रमबद्ध ढंग से बिना डाइजेस्ट किए हुए किसी सब्जेक्ट को, किसी चैप्टर को आगे न बढ़ें, धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, और इस तरह से एक क्रमबद्ध ढंग से आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने गोल को, लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एन के प्रसाद, मनोविज्ञान विभाग, सिद्धार्थ मेहला कॉलेज। मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ अपना स्मरण आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बोलो जिंदगी के टीम में हमारे पास आए और हमें कुछ अपने यादगारों को याद करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, तो रही बात हम लोग के ज़माने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय की वातावरण, थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड एडजस्टमेंट कुछ और रहता था। आज तो बहुत ही सारी बदलाव आ गई है जिसके कारण उथल पुथल शिक्षा जगत से लेकर के हर चीज़ में हो रहा है। अपने स्कूल का एक मुझे कहानी या स्मरण कहिए याद है अपने शिक्षकों के साथ। जब उस समय हम 8th-9th का स्टूडेंट थे, मेरा स्कूल फतुहा हाई स्कूल, फतुहा से मैं मैट्रिक किया। वहाँ का प्रिंसिपल उस समय प्राचार्य के रूप में बाके बिहारी सर थे। उन्होंने हम लोग को इतनी प्रेरित किए कि उस अभाव के समय में, उस अभाव जगत में, और आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने इतने सारे पूरे शिक्षक टीम में मिलकर करके करके हम लोगों को बहुत सारे प्रेरणा दिए। प्रेरणा दे करके कहीं भी किसी तरह का कमी महसूस करते थे,
अभाव महसूस करते थे तो शिक्षक साक्षात गुरुदेव बन कर करके हम लोग के सामने प्रदर्शन दे देते थे और वो एक आशीर्वाद के रूप में अपना मोटिवेट ऐसा करते थे कि हम लोग फिर जागृत हो जाते थे और जागृत हो कर करके अपने काम में लग जाते थे। उस समय शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे काम भी हम लोगों को करना पड़ता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा ले रहे हैं, हम लोग को अपना आपसी काम से लेकर के शिक्षा के जगत से लेकर गृहस्थ जीवन से लेकर के किसान जीवन तक के हर तरह के काम को किया करते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई किया करते थे। तो ये शिक्षक लोग ठीक है, प्रेरणा तो देते थे, साथ साथ पिटाइयों कर देते थे, तो ये सब बहुत अच्छी बात थी। वो पिटाई आज भी याद है और वो पिटाई के सहारे जो याददाश्त उन्होंने दिया हम लोगों को वो आज भी याद है।